नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं के लिए कई तरह के कानून आरक्षण देने की बात करती है, मगर सड़क पर महिलाएं खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, हम बात करेंगे रागिनी यादव से जो राजद की नेत्री हैं। महिला दिवस है आज, 8 मार्च की तारीख है। ऐसे में बिहार की महिलाएं खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? देखिए, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं, बधाई देती हूं। और यहां पर इस बिहार में ही क्या, इस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं का भविष्य खतरे में है। इसलिए आज यहाँ पर पटना में आज प्रदेश अध्यक्ष उर्मिला ठाकुर जी के नेतृत्व में हम लोग सभी महिला दिवस मनाए। हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी आए, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि जो आज विधानसभा में भी उन्होंने कहा कि आज मैं महिलाओं, जो महिला विधायक हैं, मैं उनको बोलने का मैं आज मौका दूंगा। तो ये हमारी एक जो नेता का जो एक नेतृत्व होता है वो सिर्फ एक राष्ट्रीय जनता दल में ही हो सकता है, बाकी तो बिहार में अभी कोई महिला सुरक्षित। बिहार में जितनी भी सरकारी नौकरी है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 35% आरक्षण दिया हुआ है। जो चुनाव होते हैं पंचायत लेवल पर इस तरह के, उसमें 50% की भागीदारी महिलाओं की है, तो क्या लगता नहीं कि महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री भी कुछ कर रहे हैं? देखिए, आरक्षण कुछ भी नहीं दे रही है ये सरकार, जो है सिर्फ कागजी स्तर पे काम करती है, धरातल पर ये कुछ भी काम नहीं करती है। अब देखिए, 19 लाख लोगों को रोज़गार देने की बात कही थी, लेकिन 19 लाख रोज़गार कहाँ मिली है लोगों को? लेकिन रोज़गार किनको मिला है? रोज़गार मिला है जो यहाँ के जो बड़े जो ये है अडानी अंबानी है, उनके ही रोज़गार मिला है। तो यहाँ पर आरक्षण की बात आती कहाँ है? ये झूठी सरकार है, ये निकम्मी सरकार है, ये बहरी सरकार है, ये सिर्फ झूठ बोलती है। और कहते हैं ना कि जो मतलब झूठ से अपना काम चलाती है, जैसे बहुत लोग होते हैं झूठ से ही अपना पेट भर लेते हैं, ऐसे ही यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बिहार के, जो झूठ बोल बोल के ही अपना वो सारा गुजारा करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा है कि अपराध भी बिहार में कम हो रहा है। मैं ये बताऊंगी कि अपराधी जो है अपराध करके छिप जाते हैं, और उस समय हेलीकॉप्टर से अगर वो अपराधी को ढूंढ कर निकालेंगे नीतीश कुमार जी, तो समझूंगी कि बिहार में अपराध कम हो रहे हैं। अभी यहाँ पर पटना में डकैती हो रहे हैं, बैंक में डाका पड़ रहा है, ज्वेलर की दुकानों में चोरियाँ। महिलाएँ कितनी सुरक्षित? महिलाएं तो सुरक्षित हैं ही नहीं। महिलाओं के साथ अगर सुरक्षित होती तो अभी आप देख रहे हैं हाल फिलहाल में जो अभी ये बालिका कांड हुआ है, मुजफ्फरपुर का भी जो कांड हुआ है उसमें भी उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो सुरक्षित नहीं है महिला, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो इस तरह से सीधा सीधा राजद की ये कार्यकर्ता नेत्री साधे तौर से आरोप लगा रही हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कि बिहार में महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं और बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहा है। तो ज़रूरत है कि अब इनकी जो बातें हैं वो इन्होंने अपनी बातें कही हैं, अब देखना है कि सरकार क्या आगे करती है और किस तरह से महिला सशक्तिकरण के नाम पर जिस तरह की बातें की जा रही हैं, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, क्या वो धरातल पर वो सारी बातें उतर रही हैं? धरातल पर महिलाओं के हक़ की बातें की जा रही हैं, ये सारी चीज़ें एक सवाल हैं जो बनकर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ इशारा उठा रही है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।